रांची के जेल रोड स्थित झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष जेपीएससी के छात्र 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी धरना स्थल पर पहुंचे, छात्रों को समझा बुझाकर नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की मांग वाजिब है, मैं चाहता हूं कि छात्रों को न्याय मिले, सरकार जेपीएससी के मामले में निष्पक्षता पूर्वक इसका जांच करे। और सभी बच्चों को झारखंड में ही कोई वैकेंसी तो नहीं है, हर राज्य में अपने अपने राज्य में कमीशन है, बिहार में बीपीएससी है, झारखंड में बीपीएससी है, यहाँ तक केंद्र सरकार की भी यूपीएससी है। तो जब उन राज्यों में कोई समस्याएं नहीं होती है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि झारखंड में ऐसे बार बार समस्या क्यों पैदा हो? तो इस पर तो सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आमरण अनशन के 120 घंटे में हम लोग आज कोरोना वायरस को देखते हुए और पूरा केंद्र सरकार का प्रशासन का निर्देश को मानते हुए और भारत को सपोर्ट करने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि आज हम लोग कोरोना वायरस से नहीं लड़ते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे झारखंडी छात्रों को भी होगा, जेपीएससी अभ्यर्थियों को भी होगा। इसीलिए कोरोना वायरस से जीतने के लिए हम लोग 6ठी जेपीएससी का जो आमरण अनशन है वो आज स्थगित कर रहे हैं और इसके बाद आगे दूसरे स्वरूप में या इसी स्वरूप में फिर लड़ाई फिर हम लोग जारी रखेंगे जब हम लोग कोरोना वायरस से हम लोग जीतेंगे। उसके बाद अब हम लोग का लड़ाई कोरोना वायरस से है। अभी प्रशासन किसके सम्मान के लिए कर रहे हैं, उनका आदेश है कि नहीं, जिस तरह वो कर्फ्यू लगा रहे हैं तो उनका सहयोग करें हम, ना कि उनका हम विरोध करें। तो हम लोग प्रशासन का विरोध नहीं कर सकते हैं ना। जब कोरोना वायरस का असर खत्म हो जाएगा तो क्या फिर आप लोग का धरना भी? देखिए, हमारा सत्याग्रह आंदोलन है वो निरंतर अभी चल रहा है और चलता ही रहेगा। और रही बात जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, तो हमारा फिर से ये अनशन फिर से शुरू होगा। वो अपने वादा खिलाफ़ करें, एक आदिवासी सीएम होते हुए भी ये एक परंपरा को तोड़ रहे हैं। आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलते और ये युगों से इतिहास रहा है, आदिवासी ने जो बोला है वही किया है। ये एक मुख्यमंत्री भी होते हुए और एक आदिवासी होते हुए भी इतना बड़ा चीटिंग कर रहे हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। हम यही प्रार्थना करते हैं। इमाम सफ़ी बोकारो से, जेपीएससी पीड़ित अभ्यर्थी।